गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रेसिप्रोकल स्पेस और रेसिप्रोकल लेटिस फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास किसी क्रिस्टल के डायरेक्ट लेटिस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हम एक्सरे डिफ्रेक्शन पर डिपेंड करते हैं, बट एक्सरे डिफ्रेक्शन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक नहीं है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में हम मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर को डायरेक्टली देख पाते हैं, बट एक्सरे डिफ्रेक्शन में हम क्रिस्टल को अंदर तक देखने के लिए हम डायरेक्ट रेज की बजाय स्कैटर्ड रेज को यूज करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूलर प्लेन्स और लेटिस प्लेन बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर फैमिली ऑफ प्लेन आर पीरियोडिक, और ये पीरियोडिक प्लेन्स एक्सरेज के लिए डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करते हैं। किसी फैमिली ऑफ प्लेन के लिए अगर डिफ्रेक्टिव एक्सरे ब्रैक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हमें डिफ्रेक्शन पीक्स और स्पोर्ट्स मिलते हैं, जिनकी इंटेंसिटी मॉलिकुलर और एटॉमिक प्लेन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है। रेसिप्रोकल स्पेस का कॉन्सेप्ट एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत यूजफुल है। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले पीपी इवाल्ड ने एक्सरे डिफ्रेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया था। रेसिप्रोकल स्पेस में हम एक फैमिली ऑफ प्लेन के लिए प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन को एसोसिएट करते हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले रेसिप्रोकल स्पेस की मैथमेटिकल फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम एक रेसिप्रोकल स्पेस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम रेसिप्रोकल स्पेस को कंस्ट्रक्ट करने के ग्राफिकल तरीके को देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मोटिव थ्री डायमेंशनल स्पेस में पीरियोडिकली अरेंज होते हैं, इसलिए क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज भी इसी पीरियोडिक अरेंजमेंट का फंक्शन होती है। सो टू स्टार्ट विद, लेट अस कंसीडर ए पीरियोडिक फंक्शन इन वन डायमेंशन। Suppose function f is periodic function of x parameter. Now ये x आपके पास time भी हो सकता है, distance भी हो सकता है, या कोई और value भी हो सकती है जिसका function आपके पास ये given function है। Crystals में क्योंकि arrangement periodic function distances का होता है, तो हम यहाँ पर इस time being इस x को distance ले लेते हैं। या पीरियोडिसिटी से मतलब है कि फंक्शन की जो वैल्यू आपके डिस्टेंस x पर है, वही वैल्यू आपकी फंक्शन की वैल्यू एट डिस्टेंस x प्लस l पर है। तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आफ्टर डिस्टेंस l रिपीट हो रही, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है तो हम इसे साइन और कोसाइन फंक्शन की सीरीज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस एक्सपेंशन को फूरियर सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं। तो हम फंक्शन को लिख सकते हैं कि f of x equals to a naught plus summation of a n times cosine of p pi x divided by n plus b n times sine of p pi x divided by l। यहाँ पे p जो है वो एक इंटीजर है। इसी की एक दूसरी फॉर्म जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम फूरियर सीरीज एक्सपेंशन को लिख सकते हैं कि f of x equals to summation of cp times exponential of iota 2 pi px divided by l। अब क्योंकि एक्सरे डिफ्रेक्शन में एक्सरेज की जो स्कैटरिंग वो इलेक्ट्रॉन से होती है, तो सपोज ये जो हमारा फंक्शन था पीरियोडिक फंक्शन, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर वन डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी कैन राइट n of x plus a equals to n of x, where a is the repeat distance in crystal structure। Fourier expansion हम nx का लिख सकते हैं कि nx equals to summation of cp times exponential iota 2 pi px divided by a। Now यहाँ पर जो p की value है, ये vary कर रही है minus infinity to infinity, और coefficient जो cp है, ये complex coefficient है, और ये इसका जो value है वो pth टर्म का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स nx शो करती है।
अब हम सीपी को लिख सकते हैं सीपी इक्वल्स टू 1/a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एनएक्स टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 2πPx डिवाइड बाय a विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू a। अब क्योंकि आपके पास ये n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो ये रियल फंक्शन है और फॉर रियल फंक्शन हम इजीली शो कर सकते हैं कि आपके पास जो कोफिशिएंट जो आपके पास pth टर्म का कोफिशिएंट है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ माइनस pth टर्म। अब हम अगर 2 पाई ओवर a, a जो कि आपके पास रिपीट लेंथ है रियल स्पेस में उसको a स्टार ले लें और p टाइम्स a स्टार को g ले लें तो g एक पीरियोडिकली अरेंज्ड सेट ऑफ पॉइंट्स को वन डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस में जनरेट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो आपका वन डायमेंशनल इमेजिनरी स्पेस है इसमें आफ्टर रिपीट लेंथ ए स्टार जो कि आपके पास 2 पाई ओवर ए है आपके पास अगेन एक और पॉइंट मिलता है जो कि आपके पास इसके अकॉर्डिंग जी इक्वल्स टू पी टाइम्स ए स्टार। तो पी को अगर आप डिफरेंट वैल्यूज दो 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यूज अगर आप देते हो तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स इस रिवर्स स्पेस में इस रेसिप्रोकल स्पेस में या इमेजिनरी स्पेस में आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम देखें तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन की सभी टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट इस इमेजिनरी स्पेस में भी मिलेगा। इस इमेजिनरी स्पेस को हम रेसिप्रोकल स्पेस या फिर फूरियर स्पेस या फेज स्पेस और के स्पेस भी बोलते हैं। इस स्पेस में डायमेंशंस रियल स्पेस की डायमेंशंस के इनवर्स होती हैं। सपोज आपके पास रियल स्पेस की डायमेंशन अगर लेंथ की है तो आपके पास इस स्पेस में डायमेंशंस इनवर्स ऑफ लेंथ की होगी। अब nx इन टर्म्स ऑफ आपके पास g वी कैन राइट nx इक्वल्स टू समेशन ऑफ cg टाइम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ आयोटा gx एंड द कोफिशिएंट cg विल बी cg इक्वल्स टू 1/a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ nx into exponential minus iota gx with respect to x where x varies from 0 to a। अब अगर हम डायमेंशन हमारी जो रियल स्पेस में डायमेंशन वो डिक्रीज होती है तो हमारे रेसिप्रोकल स्पेस की डायमेंशन आपके पास इंक्रीज होंगी और रिवर्स में अगर आपके पास रियल स्पेस में डायमेंशन इंक्रीज हो रही है तो आपके पास रेसिप्रोकल स्पेस में डायमेंशन डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास डायमेंशन जो रियल स्पेस की है उसकी डायमेंशंस का रिवर्स जो आपका रेसिप्रोकल स्पेस है रेसिप्रोकल स्पेस की डायमेंशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो एक में अगर डायमेंशन इंक्रीज होती है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है और एक की अगर डिक्रीज होती है तो दूसरे में आपके पास इंक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है कि क्रिस्टल्स थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं इसलिए क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन वेक्टर आर का फंक्शन होती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वैल्यू पोजीशन वेक्टर आर पर होगी वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पोजीशन वेक्टर आर प्लस टी पर होगी। देयरफॉर वी कैन राइट एन ऑफ आर प्लस टी इज सेम एज एन ऑफ आर। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की थ्री डायमेंशनल फूरियर एक्सपेंशन को हम लिख सकते हैं n ऑफ r इक्वल्स टू समेशन ऑफ ng टाइम्स एक्सपोनेंशियल आयोटा g डॉट r और कोफिशिएंट ng की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ng इक्वल्स टू 1 ओवर वॉल्यूम vc ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ nr टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जी डॉट आर विद रिस्पेक्ट टू वी वेयर वी वेरीज फ्रॉम 0 टू वी सी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन में एन ऑफ आर प्लस टी और एन ऑफ आर की फूरियर एक्सप्रेशन को हम लिखें तो हमारे पास समेशन ऑफ एन जी टाइम्स एक्सपोनेंशियल आयोटा जी डॉट आर विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन जी टाइम्स एक्सपोनेंशियल आयोटा जी डॉट आर प्लस टी। अब दोनों साइड अगर हम लाइक्स टर्म को कंपेयर करें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा जी डॉट टी मस्ट बी इक्वल्स टू 1
और हम लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल आयोटा जी डॉट पी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई एन, और हम लिख सकते हैं जी डॉट टी इक्वल्स टू 2 पाई एन। अब जिस तरह से हमें वन डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट के लिए रेसिप्रोकल स्पेस में सेट ऑफ पीरियोडिकली अरेंज्ड पॉइंट्स मिले थे जो कि वेक्टर जी ने अकॉर्डिंग टू रिलेशन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई ओवर ए जनरेट किए थे, उसी तरह से हमें थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट के लिए वेक्टर जी से जनरेटेड एक रेसिप्रोकल स्पेस मिलेगा। इसीलिए वी कैन से दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स जी दैट सेटिस्फाई द आइडेंटिटी जी डॉट टी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई फॉर ऑल लेटिस पॉइंट्स ऑफ रियल स्पेस डिस्क्राइब द रेसिप्रोकल लेटिस। इसीलिए हम क्रिस्टल्स के साथ दो लेटिस एसोसिएट कर सकते हैं, एक रियल स्पेस में और एक रेसिप्रोकल स्पेस में। और अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो रेसिप्रोकल स्पेस और रियल स्पेस के लेटिस दोनों ही इकट्ठे रोटेट करेंगे। जिस तरह से टी ट्रांसलेशन वेक्टर रियल लेटिस के लिए है, उसी तरह से जी रेसिप्रोकल स्पेस में ट्रांसलेशन वेक्टर है। अगर a1, a2, a3 रियल स्पेस में प्रिमिटिव वेक्टर हैं, तो हम t को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1, a2, a3 लिख सकते हैं। यहाँ पर m, n और p ये इंटीजर्स हैं। सिमिलरली हम g को रेसिप्रोकल स्पेस में प्रिमिटिव वेक्टर b1, b2, b3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और यहाँ पर h, k, l इंटीजर्स हैं। अब क्योंकि g डॉट p इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, इसीलिए अगर हम प्रिमिटिव वेक्टर को इस तरह से चूज करें कि आपके पास bi डॉट aj इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा ij है, वेयर डेल्टा ij इक्वल्स टू 0 फॉर i नॉट इक्वल्स टू j है एंड इक्वल्स टू 1 फॉर i इक्वल्स टू j है, तो उस कंडीशन में हमारे पास g डॉट p की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आएगी। इसीलिए हम प्रिमिटिव वेक्टर्स के लिए लिख सकते हैं कि बी आई डॉट ए जे इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा आई जे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस रिलेशन को b1 के लिए कंसिडर करें तो हमारे पास b1 डॉट a2 इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब b1 परपेंडिकुलर टू a2 है। सिमिलरली b1 डॉट a3 इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब b1 a3 के भी परपेंडिकुलर है एंड b1 डॉट a1 आपके पास 2 पाई आएगा, इसका मतलब यह है कि b1 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 पाई ओवर a1 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन b1 एंड a1। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि आपके पास टर्म a1 cos थीटा a2 और a3 वेक्टर से डिफाइंड प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि b1 a2 और a3 वेक्टर से डिफाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इसका मैग्नीट्यूड a2 और a3 प्लेन के स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलर इज ट्रू फॉर b2 एंड b3 वेक्टर। अब हम कंडीशन bi.aj equals to 2 pi delta ij से रेसिप्रोकल लेटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास वेक्टर b1 इज इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय a2 क्रॉस a3 डिवाइड बाय b0, b2 इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय a3 क्रॉस a1 डिवाइड बाय b0 एंड b3 इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय a1 क्रॉस a2 डिवाइड बाय v0, वेयर v0 इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लेटिस। And when we plug in the value of V0, then we can see that B1 is 2 pi over spacing between 100 plane defined by A2 and A3. Crystallographers generally reciprocal lattice ki definition mein factor 2 pi ko nahi rakhte hain. We Fourier expansion mein factor 2 pi ko G se separate rakhte hain. Now, for any general lattice vector G, which is equals to H times B1 plus K times B2 plus L times B3, this reciprocal lattice vector is perpendicular to HKL plane of real space.
HCl are integers and they may have common factor. Also, volume of unit cell in reciprocal space is inversely proportional to volume of unit cell in real space. अगर आपके पास real space में unit cell का volume increase होता है, तो reciprocal space में volumes unit cell का decrease होगा. अब हम कुछ एक केस वन डायमेंशनल कंसीडर करते हैं और दूसरा टू डायमेंशनल कंसीडर करते हैं. तो फॉर वन डायमेंशनल केस हम रेसिप्रोकल प्रिमिटिव वेक्टर्स लिख सकते हैं a स्टार इक्वल्स टू 2 पाई ओवर a, वेयर a इज द रिपीट डिस्टेंस इन रियल स्पेस एंड a स्टार इज द रिपीट डिस्टेंस इन रेसिप्रोकल स्पेस. अब रेसिप्रोकल स्पेस में हम पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग g इक्वल्स टू p टाइम्स a स्टार, वेयर p इज इंटीजर. फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास a 2 एंगस्ट्रॉम है. इन दैट केस a स्टार विल बी 2 पाई ओवर a, means this equals to 2 pi over 2 angstrom, means this equals to pi. So a star ki value humare paas pi angstrom inverse aati hai. To g ki value humare paas p times pi angstrom inverse aa jayegi. To hum jitne bhi aapke origin ke with respect hum jo hai aapke paas reciprocal space mein according to this expression hum humare paas bahut sare points mil jayenge. अब टू डायमेंशनल में हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर रियल स्पेस में t होगा, t इक्वल्स टू m टाइम्स a1 प्लस n टाइम्स a2, और ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल स्पेस में होगा g इक्वल्स टू h टाइम्स b1 प्लस k टाइम्स b2. a1 और a2 प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं रियल स्पेस के एंड b1 एंड b2 प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं रेसिप्रोकल स्पेस में. नाउ वी हैव g डॉट t इक्वल्स टू 2 पाई n एंड टू इंश्योर दिस वी हैव bi dot aj equals to 2 pi delta ij. अब suppose हमें given है primitive vectors two dimensional case में a1 equals to 2 i cap and a2 equals to i cap plus 2 j cap. अब suppose हमारे primitive vectors reciprocal lattice vector के हैं b1 equals to b1x i cap plus b1y j cap and b2 equals to b2x i cap plus b2y j cap. अब हमारे पास कंडीशन है bi dot aj equals to 2 pi delta ij. तो इस कंडीशन को यूज करके हम b1 और b2 की वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले b1 dot a1 equals to आपके पास 2 pi होगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम b1 की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट लेंगे a1 के साथ, तो हमारे पास 2 टाइम्स b1x equals to 2 pi आएगा और b1x की वैल्यू पाई के इक्वल आएगी. अब दूसरी कंडीशन हमारी इसी एक्सप्रेशन को यूज करके जब हम b1 की डॉट प्रोडक्ट a2 के साथ लेंगे तो b1 डॉट a2 इक्वल्स टू 0 आएगा, और उस केस में हम लिख सकते हैं कि b1x plus 2 times b1y इक्वल्स टू 0 और pi plus 2 b1y इक्वल्स टू 0. यूजिंग दिस वी गेट b1y इक्वल्स टू minus pi by 2. तो हमारे पास b1 की वैल्यूज आ गई हैं b1 equals to pi into i cap minus pi by 2 into j cap. अब इसी तरीके से हम b2 की वैल्यूज निकालेंगे. अब b2 के लिए हम लिख सकते हैं b2 dot a1 equals to 0. तो b2 की डॉट प्रोडक्ट a1 के साथ जब हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 2 times b2x equals to 0, और यहां से b2x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी. सिमिलरली b2 की डॉट प्रोडक्ट जब हम a2 के साथ लेंगे तो हमारे पास b2 डॉट a2 इक्वल्स टू 2 पाई होगा, और यहां से हमारे पास b2x प्लस 2 टाइम्स b2y इक्वल्स टू 2 पाई आएगा, और यहां से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स b1y इक्वल्स टू 2 पाई. तो हमारे पास दोनों रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की वैल्यूज आ चुकी हैं. हमारे पास b1 इक्वल्स टू पाई i cap minus pi by 2 j cap है, और b2 की वैल्यू pi j cap है. तो हमारा जनरल रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर या ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास g equals to h times b1 plus k times b2 है, और इसमें अगर हम प्लग इन करें b1 और b2 की वैल्यू तो हमारे पास g equals to h times pi i cap minus pi by 2 j cap plus k times pi j cap आएगा. इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास h pi i cap plus minus h by 2 plus k times
पाई जे कैप, हमारे पास जी की वैल्यू आएगी। अब इसको डायरेक्ट लेटिस स्पेस को और रेसिप्रोकल लेटिस स्पेस को अगर हम विजुअलाइज करें तो आपके पास ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं ये डायरेक्ट लेटिस स्पेस के हैं और ये वाली जो है सेल ये डायरेक्ट लेटिस स्पेस की यूनिट सेल है और इसको मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज करके प्लॉट किया है। तो जनरल वेक्टर मेरे पास ट्रांसलेशन वेक्टर रियल स्पेस में है, रियल स्पेस में m टाइम्स 2i डॉट i कैप प्लस n टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप है और इसको रीअरेंज करके मैं लिख सकती हूँ कि t इक्वल्स टू 2m प्लस n इनटू i कैप प्लस 2n j कैप। तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर मेरे पास रियल स्पेस में था और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये रियल स्पेस में लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। सिमिलरली मैं मेरे पास रेसिप्रोकल स्पेस में ये जो येलो पॉइंट्स है ये रेसिप्रोकल स्पेस में लेटेस्ट पॉइंट है। ये डायग्राम मेरे पास 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास येलो वाले जो पॉइंट्स है ये मेरे रेसिप्रोकल स्पेस में पॉइंट है और ये g इक्वल्स टू h पाई i कैप प्लस माइनस h बाई टू प्लस k टाइम्स पाई j कैप इसके अकॉर्डिंग मैंने जनरेट किए। इन जनरल आपको पता है कि रेसिप्रोकल स्पेस में रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर g व्हिच इज इक्वल्स टू h टाइम्स b1 प्लस k टाइम्स b1 b2 प्लस l टाइम्स b3 ये h के l प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं इस कंडीशन bi.aj को यूज करूं तो आपके पास 2 ये bi.aj इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा aj आता है। तो 2 डायमेंशन में मेरे पास मैं लिख सकती हूं कि b1.a2 इक्वल्स टू 0। व्हाट इसका मतलब ये है कि b1 जो है वो a2 के परपेंडिकुलर है और b2 a1 के परपेंडिकुलर है। तो ये जो फैक्ट है मेरे पास कि आपके पास कोई भी जो आपके पास रेसिप्रोकल स्पेस में लेटिस वेक्टर है वो h के l प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस फैक्ट को यूज करके मैं रेसिप्रोकल स्पेस को डायरेक्टली भी कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ ग्राफिकली। तो अगर मैं इसको यूज करूँ, अभी मैंने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये ब्लू कलर में ये सारे रियल स्पेस के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो आपके पास रियल स्पेस के प्रिमिटिव जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन में एक्सेस की डायरेक्शन में मैं प्लेन्स को देखती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास मैं ये वाला प्लेन ले लूँ तो ये प्लेन आपके पास ये जो है A2 को आपके पास इस पॉइंट पर काट रहा है तो ये आपके पास जो है प्लेन ये 0 1 0 प्लेन है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में है तो मैं थर्ड जो आपके पास मिरर इंडेक्स है उसको ओमिट कर सकती हूँ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये 0 1 प्लेन है। तो इस 0 1 प्लेन के लिए अगर मैं जी वेक्टर ड्रॉ करूं तो जी वेक्टर आपके पास 0 1 प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिसकी लेंथ 2π ओवर स्पेसिंग बिटवीन 0 1 0 प्लेन्स है। ओके, तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट मिल गया, दिस पॉइंट इज 0 1 पॉइंट। सिमिलरली मैं क्या करूंगी कि अपना नेक्स्ट जो मेरे पास ये वाला प्लेन है रियल स्पेस में ये प्लेन मेरा जो है इस एक्सिस को 1 पॉइंट पर काट रहा है तो ये 1 0 0 प्लेन है और 1 0 0 प्लेन के परपेंडिकुलर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ जिसकी लेंथ जो है आपके पास 1 0 0 प्लेन के स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी लेंथ 2π ओवर स्पेसिंग बिटवीन 1 0 0 प्लेन है। तो मेरे पास सेकंड पॉइंट यहाँ पर मिल गया, ये सेकंड पॉइंट मेरे पास हो गया 1 0 1 0 पॉइंट इन रेसिप्रोकल स्पेस। सिमिलरली मैं 1 1 0 प्लेन को लूंगी तो मेरे पास थर्ड पॉइंट मेरे पास मिल सकता है। तो ये मेरे पास अभी मैंने जो ड्रॉ किया है ये आपके पास A1 एक्सिस को पॉइंट यहाँ पर काट रहा है और B1 एक्सिस को यहाँ काट रहा है। तो ये मेरे पास जो प्लेन है ये आपका 1 1 0 प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर इसकी लेंथ जो है ये स्पेसिंग बिटवीन 1 1 0 प्लेन्स है। तो ये मेरे पास थर्ड पॉइंट आ गया और इसकी वैल्यू मेरे पास 1 1 0 है। तो मेरे पास 2 डायमेंशन में थर्ड वाला 0 है, ऑब्वियसली थर्ड वाला जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है तो उसको मैं ओमिट कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास 0 1, ये 1 0, ये 1 1,
तो आपके पास यूनिट सेल के सभी कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मैं यूनिट सेल ड्रॉ कर सकती हूँ। और इस यूनिट सेल को अगर मैं रिपीट करूँ इस टू डायमेंशन प्लेन में, तो मेरे पास पूरा रेसिप्रोकल स्पेस आ जाएगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ टू टाइम्स, अगर आगे मैं इसको प्रोसीड करती हूँ तो मेरे पास 0, 2 पॉइंट होगा। इस डायरेक्शन में मैं अगर आती हूँ तो मेरे पास ये सेकेंड पॉइंट, ये 2, 0 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट 2, 1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरे पास आपका नेक्स्ट यहाँ पर 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास जो है 2, 2 पॉइंट है। तो इस तरह से सिर्फ एक यूनिट सेल को रिपीट करके मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो है रेसिप्रोकल स्पेस के वो पता कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास जो है रेसिप्रोकल स्पेस के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन समरी, रेसिप्रोकल स्पेस इज आल्सो कॉल्ड की स्पेस। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पेशल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन रेसिप्रोकल स्पेस। देयरफॉर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियल स्पेस टेक्स अस टू रेसिप्रोकल स्पेस एंड वाइस वर्सा। द डायमेंशन इन रेसिप्रोकल स्पेस आर इनवर्स ऑफ डायमेंशंस इन रियल स्पेस। इन क्रिस्टल्स डायमेंशंस इन रियल स्पेस आर ऑफ लेंथ, वेयर एज इन रेसिप्रोकल स्पेस डायमेंशंस आर इन लेंथ इनवर्स। The diffraction pattern obtained from crystals are in reciprocal space. Thank you. That's all for today.